कम उम्र में अनुराग ठाकुर को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि परिवारवाद के कारण मिली है। तो आज वो एक लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया पर अगर वो सवाल उठा रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि उनके यहाँ आज तक क्या किसी अध्यक्ष का लोकतांत्रिक चुनाव हुआ है? नड्डा साहब रबर स्टैंप नहीं है, है कि नहीं है? नड्डा साहब अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं? वो वही कहते हैं जो मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनावी बिगुल बजते ही तमाम राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का हिमाचल प्रदेश में आना जाना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में सोमवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एक तरफ जहां कांग्रेस नेताओं से फीडबैक लिया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस का पक्ष भी रखा। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस द्वारा दी गई 10 गारंटियों को हर हाल में पूरा करने का दावा किया। वहीं दूसरी तरफ कुछ सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरे में लिया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को रबर स्टैंप अध्यक्ष करार देने के साथ साथ परिवारवाद के मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को जमकर लपेटा। कम उम्र में अनुराग ठाकुर को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि परिवारवाद के कारण मिली है। तो आज वो एक लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया पर अगर वो सवाल उठा रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि उनके यहाँ आज तक क्या किसी अध्यक्ष का लोकतांत्रिक चुनाव हुआ है? नड्डा साहब रबर स्टैंप नहीं है, है कि नहीं है? नड्डा साहब अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं? वो वही कहते हैं जो मोदी जी और अमित शाह जी कहते हैं। तो ये जो रबर स्टैंप की बात, और वो नड्डा साहब मनोनीत किए गए हैं, थोपे गए हैं, जबकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से एक अध्यक्ष बन रहा है जिसको पीसीसी के डेलीगेट्स, एआईसीसी के डेलीगेट्स, 9000 लोगों के वोट पड़ेंगे। तो उसके बाद अगर उस पर सवाल करते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि जिस व्यक्ति को कम योग्यता से ज़्यादा मिल जाता है, उसके समझ में लोकतंत्र नहीं आता। वहीं टिकटों के ऐलान से पहले कांग्रेस में चले इस्तीफे के दौर पर अनुमा आचार्य ने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कांग्रेस इस पूरे मसले को बखूबी संभाल लेगी और चुनाव में आगे बढ़ेगी। देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि सबकी बात को अभिव्यक्ति मिले। अब अभिव्यक्ति का एक तरीका यह है कि आप उसको पहले आप बातचीत करें, आपस में बातचीत करें। दूसरा तरीका, कुछ लोगों को यह आसान लगता है कि वो उसे पत्रकारों के सामने कर दें और पत्रकार उसके सवाल अंदर ही पार्टी से पूछते रहें। लेकिन पार्टी लोकतांत्रिक है, किसी की आवाज़ दबाई नहीं जाती, सबकी आवाज़ सुनी जाएगी। और आने वाले कुछ दिनों में आप ये भी देखेंगे कि दल बदल हो रहे हैं, वो होगा ही। भारतीय जनता पार्टी डर से, नहीं तो लालच से, नहीं तो और किसी तरीके से अपनी तरफ कांग्रेस के समर्पित लोगों को खींच रही है। जो पार्टी दावा करती थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में आपको 60% से ज़्यादा कांग्रेस ही दिखेंगे। तो पार्टी ही उसकी खुद की ही नहीं है वो पार्टी, वो हमारे पार्टी से खींच खींच के लोगों को ले रही है। तो ऐसे में जो आपने लोकतंत्र की, ये आपने जो बात की है कि जो लोगों के बीच में आक्रोश है, वो रहेगा और उसके साथ कांग्रेस उससे अपने आप निकलेगी भी और सब कुछ स्थिर भी हो जाएगा। और उसके बाद हम ये चुनाव होते हुए सबको जोश से प्रचार करते हुए देखेंगे। देखिए, किताब है, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि शौर्य के नाम पर वोट और बाकी सेना के हितों पर चोट, इसमें कम से कम ऐसे 15 पॉइंट्स हैं। आज हमको ECHS की सुविधा तक नहीं मिलती, तो विकास किधर कर रहे हैं? हाँ, उनके अपने लोगों की संपत्ति जो है वो 100 गुना से ऊपर जा रही है। जय शाह की संपत्ति बढ़ रही है, परिवारवाद से वो वहाँ पहुँचे हैं, नहीं तो वो तो दो लाइन बोल नहीं पाता। मैंने देखा एक दिन टेलीप्रॉम्प्टर में बोल रहा था, घुग्गू की तरह, नॉट एबल टू स्पीक, कुछ भी नहीं बोल पा रहा था।